नमस्कार, महोबा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आगामी 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। ऐसे में जो मूर्तिकार हैं, मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। 3 अक्टूबर की जो तैयारियां हैं वो भव्य है। 3 अक्टूबर को जब ये प्रतिमाएं पंडाल में पहुंचने को होगी, तो 2 अक्टूबर को यहाँ से जो भक्त लोग हैं यहाँ से मूर्तियों को पंडालों में लेकर जाएंगे। ऐसे में किस तरह की तैयारियां हैं, कितने दिन पहले ये तैयारियां शुरू होती हैं, देखिए आप इस हमारी खास रिपोर्ट में। 3 अक्टूबर से शुरू होने वाली शारदीय नवरात्रि के लिए तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। नवरात्रि के पावन पर्व को लेकर शहर में धार्मिक उल्लास और आस्था का माहौल है। विभिन्न स्थानों पर माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाओं को तैयार किया जा रहा है, जिन्हें नवरात्रि के दौरान पंडालों में स्थापित किया जाएगा। इस बार की खास बात यह है कि कोलकाता से आए प्रसिद्ध मूर्तिकार के दास देवी दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं। के दास अपने बारीक कला कौशल और निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस साल प्रतिमाओं की डिमांड पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन समय और संसाधनों की कमी के कारण वे सभी ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमाओं की अधिक मांग के चलते हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर ऑर्डर समय पर पूरा करना चुनौती बन गया है, दास ने कहा। माँ की प्रतिमाएं बेहद खूबसूरत हैं और माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों को बहुत ही जीवंत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। माँ शैलपुत्री, माँ कुष्मांडा, माँ कात्यायनी समेत माँ के सभी 9 रूपों को भव्यता से सजाया जा रहा है, जो श्रद्धालुओं को एक अनूठा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेंगी। इन प्रतिमाओं में माँ के शौर्य, शक्ति और सौंदर्य का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है, जिसने पहले ही लोगों के दिलों में उत्साह और भक्ति की भावना भर दी है। नवरात्रि के पावन अवसर पर शहर के विभिन्न मंदिरों और पंडालों में विशाल पूजा पाठ और जागरण का आयोजन किया जाएगा। भक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कर अपनी आस्था को प्रकट करेंगे। इस वर्ष महोबा में नवरात्रि की धूमधाम पहले से अधिक भव्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। शहर के प्रमुख दुर्गा पूजा आयोजन समितियों ने पंडाल सजावट और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं प्रशासन भी त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क है। मूर्तिकार के दास ने आश्वस्त किया है कि प्रतिमाओं को जितना जल्दी हो सके पूरा करने के लिए वे अपनी टीम के साथ दिन रात काम कर रहे हैं, ताकि श्रद्धालु बिना किसी बाधा के अपने आराध्य देवी की पूजा कर सके। दास है और हम पन्ना से आए हैं। वैसे रहने वाले तो बंगाल के हैं, हमारे मम्मी पापा रहते थे, अब मैं पन्ना ही में रहने लगा हूं और यहां पे साथियों को लेके लगे हैं। कारीगर बिहार से आया है, बंगाल से और कलकत्ता से भी कारीगर मंगा के काम करवा रहे, और करीबन 4 महीना से काम करवा रहे। और मिट्टी ये दूर से ले आते हैं, प्यार मिट्टी प्यार अतारा से आती है और ये मिट्टी पन्ना से लाए हैं। और सर कितना कितना उत्साह है लोगों के अंदर इस साल? बहुत ही ज्यादा है। गणपति में भी थे बहुत ज्यादा, गणपति भी बनाए थे एकदम से उड़ गए, और देवी जी भी मतलब सब बुकिंग हो गई है 5 दिन पहले से, और हमारे पास अभी है नहीं है देवी जी, क्या करें, 1-2 निर्माण करवा रहे कि लोगों का पूर्ति हो सके। बहुत से लोग आए हैं, 25-25 साल से हम मूर्ति देते आए हैं, वो मूर्ति भी हम दे नहीं पा रहे। अच्छा, एक मूर्ति को बनाने में कितना समय लगता है? एक मूर्ति कम से कम 10 दिन समय लगता है, और 10 लोग काम करते हैं ना, सब हम अकेले नहीं करते। क्या है कि हम जैसे चेहरे के काम किए तो उनने बॉडी बनाया, बॉडी के काम की, किसी को छपाई, किसी को उंगली लगाना, किसी को शेर का मुंडी शेर बनाना, ये सब काम रहता है। किसी को पटा बनाने का काम है, जिसका मूर्ति के जो पटा होता है। कितनी मूर्तियां बनाई हैं आपने? 150 मूर्ति बनाई है, गणपति लेके तो 200, और मूर्ति सब बुक हो जाती है, मैंने बचती नहीं है।